हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस में वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किसी भी साइज का ब्लाउज से लिए कटिंग करना, आपको मेन कटिंग होता है, तब किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग कैसे कर सकते हैं। हर साइज के ब्लाउज की कटिंग के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर वाले ब्लाउज रेडी करना है तो मैंने अस्तर लिया है। और आप जब भी बिगिनर्स हैं तो पहले अस्तर पे ही कटिंग करें। तो पहले अस्तर को हम बिछा लेंगे, उससे पहले हम अपना नाप जानेंगे, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हमारा जो है चेस्ट है 41, ये आपका अपर वेस्ट है, 42 जो इसकी लोअर वेस्ट होगी, और लेंथ जो है इसकी 15 है, कमर 35 है, तीरा 17 है, और स्लीव जो इसकी राउंड है वो 12 है, और लेंथ जो है 11 है। बैक नेक हम बनाना है 9, और फ्रंट नेक बनाना है हमें, इसकी फ्रंट नेक जो होगी 6.5 तक बनानी है। और अब इसके बाद क्या करना है हमें, पहले हम इसकी बैक और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो ये हम अस्तर को इस तरह से बिछाएंगे। अब देखिए, अस्तर आप बिछाने का तरीका क्या है, एक तो आप ये जो आपको दिख रहा है पाड़ है, तो आप ऐसे भी बिछा सकते हैं इस पाड़ से, इस तरह से पाड़ से लेके आप ऐसे बिछा सकते हैं, या फिर आप इधर से भी लेकर बिछा सकते हैं, जैसे भी आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे भी आपको लग रहा है कि हम इसको स्टिच कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कट करेंगे ब्लाउज को, देन उसके बाद हम इसको रखेंगे मेन फैब्रिक पर और फटाफट से कट कर देंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ जो है मेजरिंग नाप लेते हैं। हमें लेंथ, टोटल लेंथ इसकी है 15 इंच, तो हमें बैक पल्ले की जो लेंथ लेनी होगी वो कितनी लेनी होगी, बैक पल्ले की लेंथ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, तो आ जाएगा 16। तो 16 पे मार्क करेंगे। उससे पहले हम ये वाला मापेंगे, इसका चेस्ट, चेस्ट हमारे पास है 42, तो 42 का चेस्ट है, तो हमें उसका फोर्थ पार्ट लेना है। 42 को फोर्थ से डिवाइड कर दीजिए, जैसे 40 का होता है 10 और 42 का हो जाएगा 10.5, और साथ में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, जैसे ये देखिए 11.5 है, हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हम 12.5 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेस्ट का मेजरमेंट हो गया। अब हमें इसकी लेंथ, तो फ्रंट लेंथ हमारी जो है, फ्रंट लेंथ हमारी लग रही है इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा, और बैक लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा होगा। बैक लेंथ हमारी है, टोटल लेंथ पहले आपको माप लेना है, टोटल लेंथ जितनी होगी उसमें आप फ्रंट में 1 इंच प्लस करेंगे और बैक में 1.5 इंच प्लस पर करेंगे, यही आपका एक रूल है लेंथ, लंबाई जो मापने की। 15 इंच लेंथ है तो आपको मापना है 16 इंच बैक के लिए, 1 इंच प्लस कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम तीरा, देखिए तीरा कैसे मापते होते हैं, जब आपके पास जितना तीरा होता है उसमें आप 2 इंच माइनस कर दे, किस लिए, जब आप डीप नेक बनाते हैं। लेकिन अगर आप बोट नेक बनाते हैं तो जितना तीरा होगा उसका आधा लेना है। जैसे हमारे पास 17 तीरा है, टोटल 17 तीरा है, 17 का हाफ होता है 8.5, तो 8.5 का, 8.5 तो आपकी ये फुल जो तीरा के लिए होगा जब आपको बोट नेक बनाना होगा। लेकिन अगर आपको बोट नेक नहीं, आपको डीप नेक बनाना है, तो आप 8.5 में भी 2 इंच माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 6.5। तो 6.5 पर हम निशान लगाएंगे, ये हमारा जो होगा ये मेन होगा। आपको जब भी किसी का तीरा मापना हो तो आप कंफ्यूज ना हो, पहले आप उसका फुल तीरा मापे, शोल्डर जो होती है, फिर उसका हाफ करे अगर आपको डीप नेक बनाना है तो, और देन उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 2 इंच माइनस कर देंगे। अगर आपको 2 इंच माइनस कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या है, आपके जो है परफेक्ट आ जाएगी यहाँ से, जैसे 2.5 इंच आप गले की निकालेंगे, बाकी सारी पट्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्क कर सकते हैं, या फिर आप जैसे 6.5 यहाँ पे ले लिया, तो 6 इंच हमें यहाँ पे लेना है इसका, ये देखिए 6 इंच हमें लेना है इसका आर्म होल का निशान। तो ये देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि हम 5 इंच 5.5 लेते होते हैं, लेकिन ये चेस्ट जो है हैवी है, इसलिए 6 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसका तीरा जो 6.5 लिया है, तो 1/2 इंच कम इसमें हम लोग ले रहे हैं इसका आर्म होल। अब 10.5 की इसकी फिटिंग आएगी, 10.5 पे एक निशान लग जाएगा, ये 10.5 पे इसकी फिटिंग आ रही है, और ये 2 इंच आपका एक्स्ट्रा है।
अब यहां से 1 इंच हम ऐसे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको कमर का निशान लगाना है। कमर आपका यहाँ पर 35 कमर दिया है, 35 का कमर जो है उसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे। जैसे 35 का जो फोर्थ, 36 का फोर्थ पार्ट होता है 9, तो 35 का होगा हाफ इंच कम, 9.25 तक आएगा, 9.25 तक आएगा ये इसका कमर का फिटिंग। और साथ में हम इसमें पीछे टक्स डालते होते हैं, 2 इंच का टक्स डालते हैं, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ये हमारी जो होगी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी कटिंग नहीं करना है, ये ध्यान दे दीजिएगा। तो ये जो आपकी यहाँ से फिटिंग है और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये हमारा बैक पार्ट का आपने समझ लिया होगा कैसे निशान लगाना है। अब क्या करेंगे, हम बैक पार्ट को ऐसे ही जो है कटिंग नहीं करेंगे अभी, अभी हम फ्रंट के लिए भी निशान लगाएंगे। ये बैक का मैंने आपको समझा दिया, अब फ्रंट के लिए जाएंगे। तो फ्रंट में क्या करेंगे हम लोग, हमें लेना है फ्रंट में लंबाई 16.5, क्योंकि हमने मैंने पहले बताया था बैक के लिए 1 इंच प्लस करेंगे और फ्रंट के लिए 1.5 इंच। तो फ्रंट में हम 16.5 यानी कि 16.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और चेस्ट जो होगी आपकी वो सेम वही लेना है हमें 12.5 तक। अब क्या करेंगे, यहां से हम इसको सीधा मिला देंगे, ये आप हर साइज के लिए बना सकते हैं यही वाला रूल अपनाकर। और अब यहां से हम ये पूरा कट करके निकाल देंगे, ठीक है। जैसे हम कट कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो चुका है। तो अब मैंने आपको क्यों बोला था कि हम अभी पहले बैक नहीं निकालेंगे, साथ में निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने से क्या होगा, ये देखिए आपका 1/2 इंच जो हमने फ्रंट में रखा था वो 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा ये फ्रंट में है। और इससे क्या होगा, हम एक साथ ही जो आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, बड़े आराम से एक साथ ही आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसे एक साथ कट करने के लिए, और ये जो फ्रंट बैक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे आप कट करके निकाल दें, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा जो ये वाला है ये बैक फ्रंट पल्ला है। अब हम क्या करेंगे, इसका आर्म होल को कट कर देंगे। अब ये क्या होगा, ये जब डबल कपड़ा हमारे पास बच गया, अगर हमने अलग अलग कट किया होता तो ये ज्वाइंट नहीं रहता। अब ये ज्वाइंट है तो हमारा एक जो होगा कटोरी का एक पार्ट बन जाएगा, इसलिए इसको हम रख लेते हैं सेव करके। और अब हम इसको अलग करेंगे, ये बैक पार्ट में हमें भी कुछ नहीं करना, नेक की कटिंग कर लेंगे बेशक। अब हमें फ्रंट में थोड़ा सा इसको डिप करना होगा। डीप कहाँ से करेंगे, यहां से हल्का हल्का डीप लेके जाएंगे 1/2 इंच तक, आर्म होल को 1/2 इंच डीप करेंगे। तो हो गया ये हमारा अब बैक और फ्रंट पल्ला। अब हमें फ्रंट पल्ला पर ड्रॉ करने हैं, फ्रंट पल्ला पे ड्रॉ करेंगे सारे हम इसकी जो कटोरी का शेप। तो सबसे पहले हमें इसकी गला लेनी है 3 इंच, आप 3.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, मैं 3 इंच ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ये जो चेस्ट है हैवी है। अब फ्रंट नेक हमारा 6.5 है, मैं 6 लूंगी टोटल, और इसको हम इस तरह से राउंड कर देंगे जिधर से आपको अच्छा लग रहा है राउंड करना वैसे। देन उसके बाद हम 1 इंच ऊपर जाएंगे यहां से, उसके बाद ये जो हमारा डीप हुआ है वहां से हम 2.5 का निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा हैवी चेस्ट है। और यहां से हम 10.5 का एक निशान लगा लेंगे और इसको हम सीधा मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीधा मिलाने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर हमारी इस पट्टी की। तो ये जो हमारी बेल्ट योक पट्टी होती है वो लेनी है हमने यहाँ पर, यहाँ से हम मार्क करेंगे 4.25 का
और यहां से मार्क करेंगे हम लोग 3.5 का, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे तिरछा। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और तिरछा करना चाहते हैं तो और थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, इस तरह से जैसे आपको पट्टी पसंद है। उसके बाद हमारे पास ये फिटिंग पॉइंट आ गया, तो हमें अब देखिए करना क्या है। यहाँ पे 10.5 आया था, तो 10.5 का हमें थर्ड पार्ट निकालना है। 9 का थर्ड पार्ट होता है हमारे पास 3, और 10 का होता है 3.3। 10.5 का होगा 4.25 तक आपका 10.5 का आ जाएगा, तो आप 4.25 यहाँ पर निशान लगा लें। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट मिला गले के साइड से, एक पॉइंट मिला आपको आर्म होल के साइड से, और एक पॉइंट मिला आपको ये साइड फिटिंग की तरफ से। तो बस अब इस तीनों पॉइंट को हमें ज्वाइंट कर देना है। दिस इज द कटोरी पॉइंट, ये कटोरी पॉइंट बनता है। अब यहीं से आपको अगर निशान लगाना है कटोरी का, तो कटोरी का निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसको मापेंगे यहां से, ये आ रहा है हमारे पास 7। इंजिटिव को ऐसे फोल्ड कर दे और फोल्ड करके यहां पर एक निशान लगा लें। ठीक है, उसके बाद आप इसको जो राउंड है उसको इस तरह से मापेंगे, राउंड वाले पार्ट को। तो राउंड वाला पार्ट हमारे पास आ रहा है 10, तो 10 का थर्ड पार्ट होगा हमारे पास, थर्ड पार्ट इसका निकालना है, और सीधा वाले का हम निकालेंगे हाफ पॉइंट। तो थर्ड पार्ट इसका आ जाएगा 3.3, यहां पे निशान लगा देंगे, और ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाना है, और साथ में यहाँ पे 6.5 आ रहा है, तो इसको भी हम हाफ कर देंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। फिर से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट को आप ऐसे मापेंगे और इसको हाफ करेंगे, इस पॉइंट को मापेंगे तो थर्ड पार्ट निकालेंगे, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद इसका भी हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद 1 इंच हम नीचे जाएंगे, और 1 इंच जब नीचे गए तो इसको इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे यहां से। ठीक है, कटोरी का शेप मैंने यहीं बना लिया, लेकिन ये हमारी मेन कटोरी नहीं होगी, ये हमारी डुप्लीकेट कटोरी है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो मेन कटोरी कटिंग करेंगे बाद में, पहले हम इसकी योग पट्टी निकाल लेते हैं। ये हमारा योग पट्टी है, या आप इसे बेल्ट बोल सकते हैं, और यहां से हल्का सा कट लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये ऊपर से हमारी सिलाई, ये ज्वाइंट होगी आपकी पट्टी, ये नीचे है। ठीक है, हेमिंग वाली कौन सी होती है पता नहीं चलती बाद में, इसलिए आप इसको इस तरह से कट कर लें। एक पार्ट कट हो गया, अब हम गला कट करेंगे, गला को कट कर लेते हैं। गला की कटिंग हो गई है, उसके बाद हम ये वाला पार्ट कट करेंगे, इसे हम जिसकी हेल्प से हम कटोरी का ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ किया हमने उसको कट करेंगे। और यहाँ से देखिए आपको क्या मिल गया, इसे हम क्रॉस पट्टी बोलते हैं, इसे योग पट्टी बोलते हैं, दो पार्ट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, एक पार्ट हम लेंगे इसका, आप चाहे तो इसे पेपर पर ड्रॉ करके कर सकते हैं, मैं इसका एक पार्ट ले ले रही हूँ। और इस एक पार्ट से हम जो ये निशान लगाए हैं सेम वैसे कट कर देंगे। अब इसी पार्ट का हम जो ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल तैयार करेंगे, तो ओरिजिनल के लिए हम फिर से कपड़ा उठाएंगे और इस कपड़े पर रख के देखेंगे किधर से इसको सेटिंग आ रहा है। देखिए यहां से रख के देखेंगे, तो जहां से आपकी सेटिंग आ जाए वहां से इसको रखना, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लेना है हमें इसलिए। तो ये देखिए यहां पर रख के देख लेते हैं, ये अच्छे से हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, गले में कोई बदलाव नहीं करना है, गला जैसे है वैसे है, बस हमें यहां से स्टिचिंग के लिए हाफ ऑफ पॉइंट जो है बढ़ा लेना है, कोई भी साइज का बना रहे हैं, और ये मिड में ऐसे, और यहां से भी स्टिचिंग का पॉइंट जो है बढ़ा लेना है दोनों ही साइड से, और यहां से भी एक्स्ट्रा, और ये वाला स्टिच जो है इस तरह से तिरछा मिला देंगे। बस इसको हटा के कट कर दे, ये कटोरी मेन होगी आपकी, कटिंग कर देंगे इसको, ये होगी कटिंग। अब इसी को रखकर हम दूसरा पार्ट कट करेंगे, तो जो मैंने आर्महोल के कपड़े से निकाला था उसी को रखेंगे इस तरह से सेटिंग करके और कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से रख देना है,
और अब इसको हम यहां रख देंगे। और अब इसको क्या करेंगे, जैसे ही है हमारा वैसे हम इसको मार्जिन करके निशान लगा लेंगे और सेम ऐसे ही निशान लगा लेना है। हल्का सा दो सूत इधर से बढ़ा देना है और हल्का सा दो सूत हम इधर से बढ़ा देंगे, ज्यादा नहीं, दो सूत या एक सूत बढ़ा सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, बीच वाली लाइन से हम 3.5 नीचे लेकर आएंगे और यहां से हम एकदम स्ट्रेट सीधा लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे 3.5 का या फिर 4 का ले सकते हैं आप, जितनी लेंथ होगी। और अब क्या करेंगे, इस लाइन को देखेंगे, ये देखिए 2 इंच आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है हमारा 3.5 आ रहा है। तो आप इधर दोनों साइड में 1/2 इंच का डिफरेंसेस रख सकते हैं, तो 1/2 इंच डिफरेंसेस रख सकते हैं, या फिर आपको जैसे यहाँ पर आ रहा है हमारा देखिए 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 सूत ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इधर 2 इंच आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट है, तो अब इसको भी कट कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारी जो है ब्लाउज की पूरे पार्ट्स की कटिंग हो गई है और बैक पार्ट के जो नेक है, अब इसे जो है मैं अस्तर पर रख के आपको कटिंग करके दिखाऊंगी फटाफट से कैसे कटिंग हो जाती है। मेन आपको इसको समझना होगा, हर साइज के लिए आप बना सकते हैं, अगर आपको एक बार कटिंग करने आ गया आप किसी भी साइज की जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए कटोरी है, ठीक है, और ये इसके 2 पार्ट और है, 4 पार्ट होते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट पूरी कटिंग हो गई है, कि बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक हमारे पास कितना है, 9 इंच है, तो 9 इंच की बैक नेक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे 3 इंच और 9 इंच की लंबाई, और यहां से भी हम 3 इंच इसको मिलाएंगे सीधा, और यहां से राउंड करते हुए थोड़ा सा हम इसको इस तरह से बढ़ा देंगे और इसको कट कर देंगे। और देन इसके बाद आपका एक काम है और जो भी करना है, ये देखिए ये गला का साइड में गला वाला रख देंगे पट्टी इस तरह से, और अभी हम इसको थोड़ा सा झुकाव करेंगे, 1/2 इंच डाउन करेंगे, किधर साइड में 1/2 इंच डाउन करेंगे हम लोग, यहां से रख के 1/2 इंच हम डाउन करते हैं आर्म होल के साइड में ऐसे, ठीक है, हल्का सा डाउन करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अब इसे हम सारे जो पार्ट्स हमने कट किया है इसको हम रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पे। देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और हमने ये अस्तर पे सारा कट कर लिया है। तो पहले हम सबसे पहले मेन फैब्रिक को सेट करके रख लेंगे, और ये देखिए ये हमारा उल्टा सीधा देख लेंगे, ये उल्टा है तो उल्टा साइड से ही हम सेट करके रखेंगे इसको, इधर से ले लेते हैं। और ये सीधा साइड में हम कोई निशान वगैरह नहीं लगाएंगे, इसलिए हम उल्टा साइड से कपड़े को रख लेंगे ऐसे, ठीक है। और सबसे पहले हम बैक पल्ला उठाएंगे, बैक पल्ला उठाएंगे और इस पर सेट करके रख लेंगे। तो बैक पल्ला जो है हमारा, बैक पल्ला जो है हमने इस पहले से सेट करके सारा इधर उधर रख दिया था। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का है, बैक पल्ला जो उठाना है तो ऐसे रखना है। बंद साइड से हमारा नेक होता है तो ये क्लोज साइड में आपने रख लेना है इसको, अब पूरा हमने इसके बराबर ही रखना है। और ये देखिए यहाँ से जो इतना सा ये जो फोल्ड होगा, जो ये वाला है ग्रीन वाला फोल्ड हो जाएगा, तो पूरा डिजाइन हमारा बैक में आ जाएगा। अभी आपको लगता है थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने पूरा अस्तर के नाप का इसको रख लिया है। और यहाँ पर हम लगा देंगे बीट पिन, ताकि इधर से उधर कपड़ा ना हो, ध्यान से आपने इसको करना है। देखिए इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अस्तर के साथ भी, लेकिन मैं बिगनर्स को समझाना चाहूंगी कि पहले आप अस्तर पे कट कर लें उसके बाद इसको सेट करके रखें। और ये देखिए यहाँ पर आपने बीट पिन लगा देना है, और ये जब आप स्टिच करें तभी बीट पिन खोलेंगे, अभी आपको बीट पिन खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है और लगाने की जरूरत है तो आप यहाँ पर एक नेक के पास लगा दें, ठीक है,
अब क्या है, कपड़ा जो है ना इधर जाएगा ना इधर, और आपका परफेक्टली बैठ जाएगा। अब इसके बाद हम फ्रंट वाला पार्ट जो है यहाँ पे सेट करके रखेंगे। तो फ्रंट का पल्ला पहले हम लेंगे अपने क्रॉस पट्टी का, जिसमें नेक होता है। तो ये देखिए, नेक वाला पार्ट जो होता है हमारा बन साइड की तरफ आता है। ये ध्यान से देखिएगा, नेक वाला पार्ट जो होगा बन साइड की तरफ आएगा। तो ये बन साइड की तरफ हम इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे। यहां से अभी हमारा कपड़ा जो है थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। इससे क्या होता है, पहले स्तर पे कट कर ले तो कपड़ा काफी हमारा बच जाता है, सेफ हो जाता है। अब ये देखिए, इसको इस तरह से रख देना है। वन साइड से नेक है, ये रख दिया। बोलो। रखने के बाद अब हमें ये, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रही ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब क्या करेंगे, ये वाला हमारा क्रॉस पट्टी हो गया, इसमें भी हम लगा देंगे पिन। जो जो आप सेट करते जाएं उसमें एक एक पिन लगाते जाएं, और जब आप स्टिच करें तभी इसको ओपन करें, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पट्टी उठानी है। नेक्स्ट क्या है, ये कटोरी है, फर्स्ट कटोरी। तो आप इसको सेट करके देखेंगे कहाँ ये परफेक्टली आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ रख के देखेंगे। जहां भी ये परफेक्ट सेट हो जाए वहीं रखना है। तो ये तो नहीं आया, दूसरा हम देख लेंगे, जो सेकंड इसका पार्ट है वो उठा कर देख लेंगे। देखिए ये यहाँ सेट आ जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पर पिन लगा देंगे, यहाँ पिन लगा देंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पर सेट हो गया। अब हमें एक फोर्थ पार्ट जो हमारा है यहाँ रख के देखेंगे, नहीं हो रहा, तो इसके लिए अभी हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे देखिए, अब इसके लिए हम थोड़ा सा कपड़ा को आगे बढ़ाए हैं और यहाँ रख के देखेंगे। पहले हम सबसे पहले ये वाला रख के देख लेंगे, जिधर से भी सेट हो उधर से रख के देख लेंगे, लेकिन ये यहाँ सेट नहीं आ रहा है तो इसे हम यहाँ कर देंगे। उससे पहले हम अपनी जो है ये वाला पट्टी जो है, जिसे हम योग पट्टी बोलते हैं, वो वाला रख लेंगे और ऐसे सेट करके पूरा ही रख लेंगे। ये देखिए पूरा, चाहे आप ऐसे रखें चाहे वैसे रखें, ये देखिए यहाँ रख देंगे और ये पट्टी भी हमारा यहाँ पर सेट होके निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या, लगभग हमारे आधे जो है निकल गए, बस ये जो पट्टी हमारा रह गया, यानी कि ये जो कटोरी रह गया, इसके लिए हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हमें स्लिप भी देखना है कि स्लिप हमारा हो जाना चाहिए, उस हिसाब से हम कपड़े को सेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट आगे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, और यहाँ यहाँ तो सेट नहीं हुआ, यहाँ हम सेट कर लेंगे इसको, क्योंकि ये छोटा लग रहा है काफी। ये देखिए यहाँ पर सेट हो जाता है मैक्सिमम, लेकिन ये जो कटोरी है बड़ी है, इसलिए हम इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर रख के। और यहाँ भी हम इसको बीट पिन लगा देंगे, तो देखिए सारे मैंने पार्ट्स जो है, बैक पार्ट, ये फर्स्ट कटोरी का दूसरा पार्ट, ये है हमारा क्रॉस पट्टी, और ये है हमारा ये योग पट्टी, और ये फर्स्ट कटोरी का फर्स्ट पार्ट सारा मैंने रख के सेट कर लिया। अब इस पे हम मार्किंग करेंगे जैसे जैसे मैंने रखा हुआ है। देखिए पहले ऐसे जैसे मार्किंग होता जाएगा, जैसे जैसे रखा है अपने मार्किंग कर लेना है, निशान लगाते जाएंगे। किसी भी साइज का आपको इसी फॉर्मूला से कट कर सकते हैं, किसी भी साइज के ब्लाउज का। और ये इस तरह से यहां हो गया मार्किंग, फिर ये वाला मार्किंग कर लेंगे, फिर ये मार्किंग हो जाएगा, और ये यहां से कट होगा, ध्यान से कट करिएगा। और ये वाला जो होगा यहां से नेक कटिंग होगा, यहां से नेक कटिंग होगा यहां से, और ये वाला जो है यहां से इसको गला तैयार करेंगे यहां से। तो सारा निशान लगा लिया हमने, अब इसको हम कट कर लेंगे, और पिन हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ निशान पे कट करते जाएंगे, पिन हमारे इसमें रहेगी अटैच, क्योंकि इसको सिलने के टाइम हम पिन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से एक गले से,
गले से कट करते हुए ये आएंगे और ऐसे कट करके ये वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पार्ट जो है कटिंग कर लिए हैं। तो आप किसी भी साइज का जब रेडी करते हैं ब्लाउज, तो आपको ये सारे जो है आपको ट्रिक पता होना चाहिए। किसी भी साइज का रेडी करना है, बस झट से तैयार हो जाएंगे। बस आपको इसकी फॉर्मूलास याद होने चाहिए कि कहाँ पे थर्ड पार्ट लग रहा है, कहाँ सेकंड पार्ट। तो बस इसी तरह से हमने सारी ब्लाउज की जो है कटिंग कर ली है। अब वो इसकी जो स्लीव की बात आती है, तो मैंने इसमें आपको सिर्फ ये बताने थे हर साइज के ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। स्लीव आपको कटिंग करना आता ही होगा, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लीव की कटिंग करना बता दूंगी। थैंक यू सो मच।